मुकेश की नजर हर समय अपनी बहू पर रहती थी। सीधे शब्दों में कहें तो काजल के ससुर यानी मुकेश की नजर काफी गंदी थी और वह हर समय अपनी गंदी नजरें अपनी बहू के ऊपर ही गड़ाए रखता था, क्योंकि काजल की शादी को कुछ समय ही हुआ था, बस इसलिए उसको अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन उसका ससुर मुकेश हॉल में अखबार पढ़ते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर कहता है, बहू, अरे ओ काजल बहू, जरा आना तो, कहाँ हो तुम? जी पापा जी, क्या चाहिए आपको? अरे बहू, मैं कब से चाय का ही इंतजार कर रहा हूँ, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? माफ करना पापा जी, वो मैं बर्तन धो रही थी, बस इसलिए मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। अरे बहू, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। पूरा दिन इतना काम करती रहती हो, थक जाती होगी। काजल अपने ससुर की बात समझ नहीं पाती, जिस कारण वो अपने ससुर को कोई जवाब भी नहीं देती है और चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद काजल चाय बनाकर अपने ससुर को देती है, पर जब मुकेश काजल के हाथों से चाय ले रहा था तब वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर काजल को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या था? क्या पापा जी ने मेरे हाथ जानबूझ के पकड़ा? ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ, वो तो मेरे ससुर जी हैं और ससुर जी तो एक पिता समान होते हैं, ये शायद मेरा वहम है। काजल खुद से बात कर ही रही होती है तभी उसका पति आ जाता है और उसको पीछे से गले लगाता है। वैसे ही काजल डर जाती है और अपनी कमर से अपने पति का हाथ हटाते हुए पीछे मुड़ती है। अपने पति को देखकर अब काजल एक लंबी सांस लेती है और उससे बोलती है, उफ, आप थे, मैं तो डरी गई थी। हाँ बाबा, मैं हूँ, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? कोई बात है क्या जो तुम उसे छुपा रही हो? नहीं, वो कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कुछ, मैंने सोचा कि पता नहीं कौन आ गया। काजल, तुम भी ना कैसी बातें करती हो, मेरे सिवा कौन तुम्हें पकड़ेगा इस तरह से? बस बस, अच्छा अशोक, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर काजल अशोक के लिए पानी लेने चली जाती है और वह इस बात को भूल भी जाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन काजल की सास जानकी काजल के पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तू घर का काम कर लेना, साथ ही अपने ससुर जी को खाना भी दे देना, ठीक है? वरना वो बुड्ढा खाना भी नहीं खाएगा। जी माँ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं हूँ ना घर पे, मैं सबको संभाल लूंगी और पापा जी का भी ख्याल अच्छे से रखूंगी। जानकी अब बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब काजल अपने ससुर के कमरे में सफाई करते हुए जाले उतार रही थी, तभी उसके ससुर की नज़र काजल की पतली कमर पर जाती है। कुछ देर बाद जब काजल अपने ससुर के कमरे में जाले साफ कर स्टूल से नीचे उतरने लगती है, तभी उसका ससुर उससे बोलता है, बहू, सफाई तो अच्छे से कर, उधर देख वहाँ पर कितने जाले हैं, जरा उसको भी साफ कर। जी कहाँ पापा जी, मैंने तो सभी जालों को साफ कर दिया है। अरे उधर देखो, सामने तुम्हारे। मुकेश अपनी बहू को गाइड करते करते उसके स्टूल के पास आ जाता है और काजल का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलते ही वो नीचे गिरने लगती है, तभी मुकेश उसे संभाल लेता है, पर काजल को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुकेश उसको अपनी गोद में पकड़े हुए बस उसको घूर ही रहा था, तभी काजल अपने ससुर से बोलती है, पापा जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़िए। उसकी बातें सुनकर मुकेश अपनी बहू को नीचे उतार देता है, जिसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है। काजल के कमरे में जाते ही मुकेश भी उसके कमरे में आता है और अपनी बहू से बोलता है, बहू, वैसे मुझे तुम्हें एक बात कहनी है, वो मैं ये कह रहा था ना कि तुम मुझे बहुत। हाँ, कहिए पापा जी, क्या बात है? बहू, अब क्या ही करूँ, तुम्हारी कमर है ही बिल्कुल मलाई जैसी और चिकनी मुलायम भी, साथ ही तुम्हारी कमर पतली भी काफी है, जिसे चिकनी कमरिया भी कहे तो गलत नहीं होगा। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ससुर को सुनाते हुए बोलती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं आपको पापा जी बोलती हूँ, मैं आपको अपने बाप समान मानती हूँ और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना अपनी बहू को छेड़ते हुए? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी नज़र गंदी है। इतना बोलकर काजल अपने ससुर को अपने कमरे से बाहर कर देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो रोते हुए खुद से बोलती है,
हे भगवान, ना जाने मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। अगर मैं अशोक जी को बताती हूँ कुछ तो वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुझे ही गलत समझ ले। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन जब तक घर में कोई नहीं आ जाता मैं अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। जैसा काजल सोचती है वो ठीक वैसा ही करती है। अब जब उसकी सास घर आती है तब काजल अपने कमरे का दरवाजा खोल अपनी सास को सारी बातें बता देती है। बहू, मैं इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ, पर इसकी नज़र तुझ पर पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? माफ़ी तो उस इंसान को मांगनी चाहिए जिसने ऐसी हरकत की है। मैं अभी और आज ही अशोक जी को ये सारी बात बता दूंगी। अगर उन्होंने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, उल्टा मुझे ही गलत समझा, तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। करेगा बहू, तू एक बार बोल के तो देख। अगर वो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी अपनी बेटे को सारा सच बताने के लिए। इस तरह से अब काजल अपने पति अशोक और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात को जब अशोक घर आता है तब काजल अपने पति को सारी बातें बता देती है। ये जानने के बाद भी उसका बाप मुकेश ठरकी है, अशोक अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसको बोलता है। नहीं काजल, ये तुम्हारा वहम होगा। मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि वो तो लड़कियों की भी बहुत इज्जत करते हैं। ये आपको लगता है अशोक जी, पर आज मेरे साथ जो हुआ है उसको मैं भूल नहीं सकती। पहले मुझे यही लगता था कि ये सब कुछ मेरा वहम है, पर आज की हरकत के बाद मुझे हर पल घर में एक डर सा रहता है, और मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। काजल, तुम पागल हो चुकी हो क्या? मेरे पिताजी पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? यार वो तुम्हारे पिता समान है, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे तभी उनकी बातें सुनते हुए जानकी वहाँ आती है और अपने बेटे से बोलती है। अशोक, बहू जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है, और ये मुझे आज से नहीं बल्कि काफी समय से पता था। क्योंकि तू इस बात पर विश्वास नहीं करता, बस इसीलिए बहू ने तुझे कुछ नहीं बताया। और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटे की नज़र में उसके बाप की अहमियत कम हो। अगर ऐसा है तो पापा को आज रंगे हाथों पकड़ना होगा हमें। माँ, आप एक काम कीजिएगा, आज शाम को मेरे साथ बाहर जाने का नाटक कीजिएगा, और काजल तुम घर पे रहना। अगर पापा ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो हम सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और उसके बाद हमारे पास सबूत भी होगा ताकि हम पापा को सजा दिला सके। इतना बोलकर अशोक अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में अपने बाप के पास जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने प्लान किया था। जैसे ही अशोक और जानकी बाहर जाने का नाटक करते हैं, वैसे ही काजल का ठरकी ससुर एक बार फिर काजल के ऊपर गंदी नजर डालने लगता है। पर ये सब कुछ अशोक अपने फोन में एक खिड़की से रिकॉर्ड कर लेता है और थोड़ी देर बाद अंदर आ जाता है और अपने पिता से बोलता है। पिताजी, ये क्या कर रहे थे आप? बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। पापा, पर तू यहाँ कैसे आया? तू और तेरी माँ तो बाहर गई थी ना? मैं तो बस भोगी मदद ही कर रहा था। मैं और माँ कहीं बाहर नहीं गए थे, बल्कि हमने नाटक किया था और हम छुप के देखना चाहते थे कि हमारे जाने के बाद आप काजल के साथ क्या करते हो, और हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पिताजी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, वो आपको पापा जी कहती थी। पापा जी का मतलब होता है पिता, वो पिता जो अपनी बेटी की रक्षा करता है, और आप अपने ही घर में। छी पिताजी, छी, आपको तो रक्षक बनना चाहिए था अपनी बहू का, लेकिन आप तो भक्षक निकले। लेकिन आपने जो किया सो किया, लेकिन मैं एक पति होने का फर्ज निभाऊंगा और आपको सजा दिलाऊंगा। और हाँ पिताजी, आज के बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। मुझे घिन आती है आपको अपना पिता कहते हुए। इतना बोलकर अशोक पुलिस को बुलाता है और अपने ही पिता को अरेस्ट करवा देता है, और अशोक को बहुत शर्मिंदगी होती है। नंदिनी के बाल बहुत सुंदर थे। जो भी उसके खुले बालों को एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता, क्योंकि उसके बाल जितने लंबे थे उतने घने भी थे। एक दिन वो अपनी माँ ममता के साथ अपनी पड़ोसन कांता के घर में दावत के लिए जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन कांता उसके खुले बालों को देखकर उससे कहती है, हाय ममता, तेरी बेटी के बाल कितने सुंदर है, जितने लंबे उतने ही घने हैं। मेरी बेटी के बाल तो अभी से झाड़ू हो रखे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, बल्कि अभी तो मेरी बेटी तेरी बेटी से कितनी छोटी है। हाँ वो तो है, मेरी बेटी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर है। वो क्या है ना कि मेरी बेटी तेरी बेटी की तरह ज्यादा नखरे वाली नहीं है, जो आए दिन अलग अलग तेल शैम्पू का इस्तेमाल करे। अपने घर में आने वाला शुद्ध सरसों का तेल लगाती है अपने बालों में, उसी से इसके बाल इतने सुंदर है। मैं नहीं मानती,
कि सिर्फ तेरी बेटी सरसों का तेल लगाती है अपने बालों में। अरे सरसों का तेल लगाने से इतने सुंदर बाल हो सकते हैं क्या? हाँ आंटी जी बिल्कुल हो सकते हैं। वो क्या है ना कि आपको इस मोहल्ले में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है, वरना सभी मोहल्ले वाले मुझे सरसों का तेल लगाने वाली कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझ पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं भी अपनी बेटी को कहूँगी कि वो भी अपने बालों में सरसों का तेल लगाए। बेशक तेरे जितने घने बाल नहीं होंगे, लेकिन उसके सर में जो बचे कुचे बाल है वो तो नहीं झड़ेंगे ना। हाँ क्यों नहीं आंटी जी, देख लीजिए लगाकर, मुझे तो फायदा हुआ है, शायद आपकी बेटी को भी फायदा हो जाए। अब घर भोज में बुलाकर सिर्फ बातों से ही पेट भरेंगी या खाना भी खिलाएंगी? माफ करना मैं बातों में भूल गई। आओ आओ बैठो, मैं आप सभी के लिए खाना लगवाती हूँ। कांता इतना कहकर खाना लगवाती है। कुछ ही देर बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने घर वापस आ जाती हैं। जिसके बाद ममता अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि नंदिनी अपने कमरे में जाने की जगह रसोई में जा रही थी। तभी वो उसे पीछे से जाती है और देखती है कि वो सरसों के तेल की बरनी निकाल रही है। तभी वो उसके हाथों से तेल की बरनी छीन कर उससे कहती है, मुझे लग ही रहा था कि तू पक्का सरसों का तेल पीने आई होगी, इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हूँ। माँ आप ठीक तो हैं, मैं सरसों का तेल पीने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने बालों में लगाने आई हूँ। इतनी देर से खुले हुए थे मेरे बाल, सबने कितनी नजर मारी होगी। अब आप तो जानती है ना कि मैं ज्यादा देर अपने बालों को बिना तेल के नहीं रखती हूँ। हाँ तो कोई और तेल लगा ले, एक दिन कोई और तेल लगा लेगी तो कौन सा तेरे बालों पर कोई फर्क पड़ जाएगा। लेकिन माँ जब घर में सरसों का तेल है तो मैं कोई और तेल भला क्यों लगाऊं? आप तो जानती है ना कि मैं सरसों के तेल के सिवा कोई और तेल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटी आज गुरुवार है और गुरुवार को सरसों का तेल बालों में नहीं लगाया जाता। वैसे भी रात की बात है, सुबह उठकर लगा लियो। तू क्या मेरी इतनी भी बात नहीं मान सकती है? ठीक है माँ जैसा आप कहें, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं नहीं सुन सकती। सरसों का तेल अब नहीं लगाऊंगी। खुश अब आप जाओ सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। ब्लैकमेलर हैं आप और कुछ नहीं। नंदिनी इतना कहकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और अगले दिन उठकर सबसे पहले अपने बालों में सरसों का तेल लगाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ममता घर की सफाई कर रही होती है और उसकी नजर हॉल में पड़े सोफे के व्हाइट कवर पर जाती है, जिस पर सरसों के तेल का दाग लगा होता है। जिसे देखकर वो गुस्से में नंदिनी को आवाज देकर बुलाती है और उसके कानों को पकड़ते हुए कहती है, नंदिनी मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सरसों के तेल को बालों में लगाना होता है, उससे नहाना नहीं होता, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं सुनती है। अब देख तूने क्या किया, सोफे की व्हाइट कवर अपने बालों के तेल से खराब कर दी। माँ कान छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ो ना माँ, हो गई गलती, अब क्या बच्ची की जान लोगी? वो मैं कल रात सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, उसी टाइम लग गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। आगे से तू बाद में ध्यान रखियो, अभी पहले ये कवर लेकर जा और इसे अच्छे से वॉशिंग मशीन में धुलकर इसमें से तेल का दाग निकाल, समझी? माँ मुझसे सब करवा लो, लेकिन कपड़े धोने को मत बोलो प्लीज। मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ सोफे के कवर को धोने के लिए बोला है, जिसमें तूने सरसों के तेल का दाग लगाया है। और अगर ये दाग नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नंदिनी कवर धोने के लिए बाथरूम में जाती है। समय बीतता है। समय के साथ नंदिनी की शादी एक राजीव नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। एक दिन राजीव ऑफिस से घर आता है और वो नंदिनी से कहता है, यार जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ, सोच रहा हूँ आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। अब सच कह रहे हैं, अब मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे? अरे और क्या, घूमने के लिए बाहर नहीं चलोगी तो क्या घर की छत पर घूमोगी? तुम भी ना यार, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। राजीव इतना कहकर कमरे से निकल जाता है और जाकर हॉल में बैठकर फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद नंदिनी साड़ी पहने सर पर पल्लू किए नीचे आती है, जिसे देखकर राजीव कहता है, अरे मैडम हम घूमने के लिए जा रहे हैं, माता के जगराते में नहीं। जो तुम इतनी संस्कारी बनकर आई हो, और एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने बालों में तेल लगाकर क्यों रखती हो?
अरे इतनी गर्मी में हमेशा सर में तेल लगाकर कौन रखता है भाई? मैं रखती हूँ क्योंकि तेल न लगाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब आपको भाषण ही देना है या हम घूमने भी चलेंगे? अरे तुम्हें ऐसे बाहर ले जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। एक काम करो, तुम घर की छत पर ही घूम लो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ बाहर। राजीव इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है और नंदिनी गुस्से में अपने कमरे में वापस जाती है। अगले दिन सुबह के समय राजीव हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी नंदिनी उसके लिए चाय लेकर आती है और राजीव उसे खुले बालों में देखकर दंग रह जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यार तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, तुम खुले बालों में कितनी सुंदर लगती हो। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बीवी के बाल इतने लंबे और घने हैं। कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हो तुम? जो हेयर ऑयल मैं यूज करती हूँ वो सिर्फ हेयर के लिए ही नहीं बल्कि खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध सरसों का तेल। क्या? अरे आज के टाइम पर जब इतने सारे हेयर ऑयल मार्केट में हैं और तुम सरसों के तेल पर ही अटकी हुई हो? हाँ, क्योंकि मुझे वही सूट करता है। मैं बचपन से ही सरसों का तेल लगाती आई हूँ अपने बालों में और उसका रिजल्ट आपके सामने है, मेरे लंबे काले घने बाल। हाँ हाँ, ये बात तुमने सही कही, लेकिन हमेशा सर पर तेल लगाकर रखना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे इतने सुंदर बाल है, कभी कभी इन्हें खोल कर भी रखा करो, तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे ज्यादा देर तक खुले बाल रखना पसंद नहीं है। अब तो आप मुझे सरसों का तेल लगाने के लिए मना नहीं करेंगे ना? अरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इतने अच्छे बालों के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगा। अरे मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम मेरा हेयर ऑयल का खर्चा तो बचेगा। राजीव की बात सुनकर नंदिनी का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो हंसने लगती है, जिसके बाद राजीव नंदिनी के बालों में तेल लगाने के चलते उस पर रोक टोक करने वाली अपनी आदत को कम कर देता है। रमा के बेटे गोपाल की शादी हाल फिलहाल में हुई थी, लेकिन अब गोपाल का भाई रॉकी, जिसको भाभी बोलने वाला था, वो रॉकी की क्रश थी, जिसे देखकर अब रॉकी को बहुत दर्द होने लगा था। लेकिन सच्चाई को कौन झुठला सकता है। अब शादी की अगली सुबह रमा के घर रमा की पड़ोसन आई होती है और वो नई बहू को देखकर कहती है, और बहू बहुत लेट उठ रही हो, लगता है रात में नींद नहीं आई होगी। मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। विमला तू भी ना, बहू से भला कोई ऐसा मजाक करता है? इधर ये सारी बातें रॉकी सुन रहा होता है और वो गुस्से में चाय का ग्लास फेंक कर चला जाता है। ये देखकर विमला कहती है, इसे क्या हुआ रमा? मुझे तो इसे देखकर कभी कभी लगता है मैंने इसकी लुगाई को कुछ कह दिया हो, बड़ा गुस्सा करता है। जाने दे, जवान खून है, किस बात पर गुस्सा आ जाए पता भी नहीं चलता है। गोपाल भी पहले ऐसे ही करता था। अब किसे क्या पता कि रॉकी का दिल तो सुरभि पर था, लेकिन अफसोस कि उससे पहले उसका भाई उसके सपनों की रानी को अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है। और अब बेचारा देवर क्या ही कर सकता है, अब जिस लड़की के पीछे रॉकी पागल था वो तो उसके घर में आ गई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो इस घर में उसकी भाभी बनकर आई थी। अब कुछ समय बाद रमा किचन में काम कर रही होती है, तभी वो अपनी बहू सुरभि से कहती है, बहू रॉकी आया है, उसे खाना निकाल कर दे दे, वरना फिर से आवारा लड़कों के साथ निकल जाएगा, शाम में ही घर लौटेगा फिर। रमा की ये बातें सुनकर सुरभि खाना निकालने लगती है, तभी रॉकी किचन में जाकर अपनी भाभी के हाथ से प्लेट लेकर कहता है, भाभी आप जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती, अरे मैं खुद ही ले लूंगा खाना। तभी वहाँ रमा आ जाती है और ये सब सुनकर अपने बेटे रॉकी से कहती है, क्या बात है, जो कल तक एक गिलास पानी खुद से नहीं लेता था वो आज खुद से खाना निकाल रहा है, भाभी इतनी पसंद आ गई क्या? पहले बोलता तो तेरी ही शादी सुरभि से करवा देती, माँ पर तो कभी दया आई नहीं, इतना काम करती है, थोड़ा मैं भी करवा दूँ। बस मैंने तो भाभी को यूं ही कह दिया, आप क्यों नाराज हो रही हो माँ? नाराज नहीं हूँ पगले, अच्छी बात है, अपनों से बड़ों की ऐसी ही इज्जत किया कर। रॉकी से उसकी भाभी का बहुत समय तक काम करना देखा नहीं जाता था, वो अंदर ही अंदर दुखी होता रहता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब अगले रोज सुबह डोर बेल बजती है, रमा गेट खोलने जाती है तो वो देखती है एक औरत बाहर खड़ी है और वो रमा को देखकर कहती है, मेरा नाम कांता, मैं तेरे घर में झाड़ू पोछा करने के वास्ते आई ली है। क्या लाई है और तू ऐसे घर में कैसे घुस सकती है,
बता तो सकती है किसने बुलाया है तुझे और क्यों आई है तू? मैं बोली ना, मेरा नाम ही है कांता, ज्यादा कड़कड़ करना नहीं मांगता, समझी बुढ़िया? बाजू हट। ये तू क्या बोले जा रही है, किसने बुलाया तुझे? मैं काम वाली। तुम लोगों को काम वाली मांगता कि नहीं, पहले मेरे को बताने का। नहीं, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया है, तू ही गलत एड्रेस पर आई है। ए माताजी टाइप आंटी जी, मैं बोली ना, अपने को इस घर का पता मिलेला है। एड्रेस तो तुझे यहीं का मिला है, लेकिन तुझे बुलाया किसने है ये भी तो बता। ये अभी तुम लोगों का मचपच हो गयेला है, तो मेरे को एक रॉकी नाम के छोकरे ने बुलायेला है। माफ करना, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। जब काम वाली नहीं चाहिए तो मेरे को इधर काय को बुलाया? मैं तेरे को मुजरा करने वाली दिखती है क्या? कांता है मैं कांता, देख लेगी सबको, अभी तो मैं जाती है। अब जैसे ही रॉकी उठकर आता है, वैसे ही रमा रॉकी को बोलती है, तूने किसी काम वाली को बुलाया था, मैं जान सकती हूँ और क्यों? माँ आप भी कैसी बातें करती हो, काम वाली घर का काम करने ही आएगी, और क्या करवाना है उससे? तो उस काम वाली को पैसे तेरा बाप देगा? अरे मैं दूंगा ना माँ, आपने भी कर दी ना छोटी बात। कमीने, खुद के कच्चे के लिए पैसे नहीं है, लेकिन काम वाली को तू पैसे देगा? माँ मैंने तो आपका और भाभी का भला सोचकर ही बुलाया था, आप तो मुझे ही मार रही हो। अब भाभी के प्यार में पागल देवर को मुंह की तो खानी ही थी। देर शाम रॉकी अपनी भाभी की पसंद की रसमलाई लाता है और अपनी भाभी से कहता है, जो किचन में काम कर रही होती है, भाभी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप खाइए ना, आपकी पसंद का है। मेरी पसंद और नापसंद के बारे में आपको क्या ही पता होगा देवर जी, वो तो अभी गोपाल जी को भी सही से नहीं पता। लेकिन रॉकी के चले जाने के बाद सुरभि उस डिब्बे को खोलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें तो रस मलाई होती है। अब ये देखकर सुरभि अपने मन में सोचती है, रॉकी को मेरी पसंद के बारे में कैसे पता हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, उसने आज तक मुझसे कभी बदतमीजी से बात भी नहीं की, कहीं उसे मुझसे प्यार तो नहीं। अब अगले दिन सुरभि देर शाम किसी के ना होने पर रॉकी के कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है तो वो देखती है उसके कॉलेज की काफी सारी तस्वीरें रॉकी के अलमारी में हैं, कई सारे सूखे हुए गुलाब भी हैं। ये देखकर सुरभि डर जाती है, क्योंकि खून से लिखे हुए कई सारे लेटर भी होते हैं जिसमें प्यार का इजहार किया होता है। अब सुरभि अपने कमरे में जाकर कुछ समय के लिए बैठ जाती है और अपने पति और सास के आने पर उन्हें सब बता देती है। आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप रॉकी की अलमारी को ही देख लो, मुझे ये सब देखकर हैरानी हुई। अब जैसे ही गोपाल और रमा रॉकी के कमरे में जाते हैं, वो भी कई सारी तस्वीर और लेटर देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही समय बाद रॉकी के घर में एंट्री होती है और वो गाना गाते हुए कहता है, ये बोहेमिया मेरी गड्डी गड्डी दे शीशे काले, चौबीस चौबीस घंटे मेरे पीछे लगे पुलिस वाले, ये। अब रॉकी को देखकर गोपाल रॉकी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और रॉकी से बोलता है, मैंने तुझे अपना छोटा भाई माना और तूने मेरी बीवी पे गंदी नजर रखी। अरे नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। ये क्या है फिर, हाँ ये सब क्या है, हम पागल हैं या तूने हमें पागल समझ के रखा है? देखिए भैया, ये सारी तस्वीरें कॉलेज की हैं, जब आपको भाभी से प्यार भी नहीं हुआ था। अरे तब से मैं भाभी से प्यार करता हूँ और ये सच है। क्या, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं रॉकी, कॉलेज में या कॉलेज के बाहर कहीं भी नहीं। हाँ भाभी, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा पहला और आखिरी प्यार आप ही थे। इस तरह भाभी के प्यार में पागल देवर का सच सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।